हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भरे जाएंगे डाक सेवकों के 1007 पद। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक सहित 38,926 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर 5 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार इस प्रक्रिया में भारतीय डाक में ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और डाक सेवक के 38,926 रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। मासिक वेतन की बात करें तो ब्रांच पोस्टमास्टर के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को ₹12,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा, जबकि अन्य पदों के उम्मीदवारों को ₹10,000 प्रति माह वेतन मिलेगा। भारतीय डाक विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित की है। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹100 आवेदन शुल्क और अन्य आरक्षित वर्ग के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। फीस ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से दी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में 1007 पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के बाद कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। 10वीं के अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थी की चयन प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें हिमाचल प्रदेश डाक सर्कल के तहत चंबा के 102 पद, हमीरपुर में 131 पद, RAAS मंडी सर्कल में 5 पद, सोलन में 108, देहरा गोपीपुर में 91, मंडी में 183, शिमला में 157, ऊना में 38, धर्मशाला में 122, रामपुर बुशहर में 70 पद भरे जाने हैं। आवेदन करने के लिए भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.indiapost.gov.in पर जाएं और फिर वहां पे अप्लाई का जो लिंक आएगा उसे क्लिक करने के बाद सर्कल का चयन करना होगा और फिर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी, पंजीकरण करना होगा अगर आपने पहले पंजीकरण नहीं किया है तो। उसके बाद फीस जमा करवानी होगी और उसके बाद फिर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन। अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को डिटेल में स्टडी कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या ना हो, इसलिए नोटिफिकेशन को अप्लाई करने से पहले ज़रूर स्टडी कर लें। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं दे दूंगा, वहां से भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस समझाई जाए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आपकी सहूलियत के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस अपलोड कर दी जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।